ओम शांति। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आपके साथ बात करने में। मैं 40 साल से इस ज्ञान में चल रही हूँ और मैं 68 में इस ज्ञान के कांटेक्ट में आई और 7 दिन का कोर्स किया। और कोर्स करने के बाद अनेक प्रकार के अनुभव हुए। पहला अनुभव तो जब मैंने आत्मा का ज्ञान समझा तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में लॉक को खोलते हुए मैंने चाबी दूसरी तरफ उल्टी तरफ में पलटा रही थी। तो कभी भी बुद्धि का लॉक जो है स्मृति का लॉक नहीं खुल रहा था। जो अनुभव प्राप्त होना था वो नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही आत्मा मैं आत्मा हूँ ये शरीर का ज्ञान होते के होने से ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने जो चाबी है मेरे बुद्धि रूपी लॉक जिसको कहे या ताला जिसको कहे उसको ठीक लग चुकी है। और उससे मुझे बहुत कुछ फायदे हुए। और उसके बाद परमात्मा का ज्ञान और कैसे परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के अभी हमको ये सब ज्ञान दे रहे हैं। गीता का ज्ञान दे रहे हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रहे हैं, झाड़ का ज्ञान दे रहे हैं। इसको सुनने से हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और ये भी अनुभव हुआ कि कैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। मुझे ऐसे कोई खास साक्षात्कार नहीं हुए उस समय, लेकिन मुझे क्या है कि स्वप्न में बाबा का बहुत अच्छा रूप चलते फिरते प्यार करते हुए दिखाई दिया। और उससे मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मैं जब ब्रह्मा बाबा जब मैं ज्ञान में चली तो 68 में मैं आई थी। तो फिर हमारे टीचर ने कहा कि आप एक पत्र लिखिए ब्रह्मा बाबा को कि आपका क्या अनुभव रहा। तो हमने अनुभव युक्त निश्चय का पत्र बाबा को लिखा। तो बाबा ने उसका जवाब इतना शीघ्र ही हमें दे दिया। मतलब एक हफ्ते के अंदर हमें उसका जवाब मिल गया। उस समय तो पोस्टल फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी नहीं थी। और बाबा ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि मीठी हेमलता आप बहुत कार्य करने वाले हो। तो वो सुन करके मुझे बहुत खुशी हुई। और यही उमंग यही उत्साह मेरे मन के अंदर रहता था कि मैं कितना जल्दी जा करके ये मधुबन में बाबा को मिलूं। क्योंकि बाबा के बारे में हमने बहुत सुना था और मैंने पढ़ा भी था। और यही मन के अंदर लगन रहती थी। हालांकि देखा भी नहीं था, नहीं ही देखते हुए भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं बाबा से जल्दी मिलूं। लेकिन उस समय मैं मेडिकल की स्टडी करती थी। एग्ज़ाम का टाइम भी नज़दीक था और तो मुझे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ रहा था। तो मैंने ये सोचा कि चलो मार्च में जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसी टाइम पर मैं मधुबन में पहुंच जाऊंगी मार्च या अप्रैल के अंदर। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को 69 में शरीर छोड़ा। तो हम उनको फिजिकली न देख सके लेकिन स्पिरिचुअली बहुत बहुत अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं। और ऐसा लगता है कि हमको ऐसा कभी नहीं लगा कि हमने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है। लेकिन अंग संग हमेशा दिखाई देते हैं। अभी तो मैं 30 वर्षों से भारत से बाहर फॉरेन सर्विस में रहती हूँ। तब भी अकेले कहीं इस कंट्री में जाना पड़ता है या उस कंट्री में जाना पड़ता है। तो जैसे ही मैं शिव बाबा को याद करती हूँ ब्रह्मा बाबा की भी याद आती है। और हमेशा ये लगता है कि मैं उनकी छत्र छाया में रह करके ही ये सब कार्य कर रही हूँ। और मुझे बहुत मदद मिलती है। जहाँ कहीं भी जाती हूँ तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की बहुत बहुत मदद मिलती है। जब मधुबन में आते हैं बाबा के रूम में भी जाते हैं तो वही शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, आओ बच्चे आओ और आपका बहुत बड़ा आपका स्वागत है। ये सुन सुन करके हमें बहुत खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान के अंदर ज्ञान की जो बाबा के द्वारा जो ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान की तो हम क्या कहें, कितनी तारीफ करें कितनी नन्ना करें। लेकिन जीवन के अंदर जो परिवर्तन हमारे अंदर आया है वो तो हम कह नहीं सकते हैं। क्योंकि जब मैं आई थी ज्ञान में भले छोटी थी, मतलब 18 साल की थी, लेकिन ऐसे तो नहीं है कि हम लोग विकारों से फ्री हो जाते हैं। तो मुझे क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता था, अहंकार भी बहुत जल्दी आ जाता था।
और अटैचमेंट मोह ममता भी जल्दी घुस जाती थी और डर बहुत लगता था मुझे। लेकिन ज्ञान का ज्ञान लेने से, योग की प्रैक्टिस करने से, जिसमें कि हम ये कहें कि आत्म अनुभूति का अनुभव करने से, परमात्मा के मिलन का अनुभव करने से, हमारा डर धीरे धीरे खत्म हो गया। छोटी मोटी चीज़ों से भी हम डर जाते थे, लेकिन बाबा के ज्ञान से हमें कोई डर नहीं लगता है। हम कहीं भी अब अकेले चले जाते हैं, अकेले भी कभी कभी रहना पड़ता है हमारे को सेंटर में। कंट्रीज जहाँ पर हम रहते हैं वो भी थोड़ी रफ कंट्रीज हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी जाते हैं बाबा की छत्र छाया में रह करके कोई डर, कोई अशांति महसूस नहीं होती है। और इतना बल मिलता है कि कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता है कि हम क्या थे और क्या बन गए हैं। कैसे हम छोटे से टिमिड टिमिड और कावर्ड डरपोक बच्चे थे, और एकदम उससे एकदम बाबा ने हमें शिव शक्तियाँ बना दिया है और शिव शक्ति से वो अपना कार्य ले रहे हैं। हमको तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। हालांकि छोटे बड़े सब प्रकार की सर्विस होती रहती है, लेकिन हमेशा यही रहते हैं कि बैकबोन के अंदर बाबा हमारे पीछे है। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि बाबा हमारी उंगली पकड़ करके हमको लेके जा रहे हैं, तो कभी सामने का अनुभव होता है, कभी पीछे का अनुभव होता है, और कभी कभी साथ में भी बाबा हमको लेके जा रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि हम बाबा के साथ है, बाबा हमारे साथ है, और वो साथीपन का अनुभव जो है वो हमेशा रहता है। भले हम लोग हर साल आते हैं मधुबन में और हर साल हम वापस जाते हैं अपने सर्विस सेंटर के ऊपर, तो लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि हम अकेले जा रहे हैं, और ऐसा नहीं लगता है कि हम मधुबन में नहीं हैं। जहाँ जाते हैं ऐसा ही लगता है कि हम मधुबन को साथ लेकर के जा रहे हैं, और बाबा को भी साथ लेकर के जा रहे हैं, हमारी दादियों को भी साथ लेकर के जा रहे हैं, जिन्होंने हमें ये सब सिखाया है कि कैसी भी आत्मा आपके सामने आए, चाहे वो आत्मा हमारे हमारे को सहयोग दे या सहयोग ना दे, ऐसी भी आत्मा को गुड विशेष शुभकामना और शुभ भावना से उसकी सेवा करनी है, और ये महसूस कराना है कि हम जहाँ भी पहुँचेंगे बाबा की ब्लेसिंग उनको प्राप्त होगी। यही हमारा दिन रात चिंतन भी चलता है, अनुभव भी रहता है, और ये फीलिंग भी हमारे मन के अंदर आती रहती है। तो हम तो यही कहेंगे कि कितने खुशी का हमारा जीवन बन गया है, कितना भाग्यवान जीवन बन गया है जो बाबा ने हमको चुना है इस विश्व सेवा के लिए और विश्व कल्याण के लिए। चाहे हम छोटे कंट्री में हो, चाहे बड़े कंट्री में हो, चाहे हजार लोगों के सामने हो, चाहे हम एक दो के हाथ सामने हो, लेकिन हमको ऐसा महसूस होता है कि हम विश्व की सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी बना दिया है अपने साथ में। तो हम तो यही कहेंगे कि आज नई दुनिया की स्थापना हो रही है, और नई दुनिया की स्थापना के लिए भगवान अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं और वो सेलेक्ट कर रहे हैं, और हमको बहुत खुशी है कि बाबा ने मुझे सेलेक्ट करके अपने आर्मी में भर्ती कर दिया है और इस विश्व कल्याण की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। और अपनी जो कमजोरियां हैं, जिसको कि मैं शुरू में भी कह रही थी कि क्रोध अहंकार बहुत जल्दी आ जाता था मुझे, उसके ऊपर काफ़ी हमने विजय प्राप्त की है, और खुशी होती है क्योंकि अगर हम अपने पहले का जीवन देखते हैं और अभी का जीवन देखते हैं, कितनी शांति का अनुभव होता है, कितना अच्छा लगता है हमारा जीवन। तो हम तो यही हमारी शुभकामना और शुभ भावना सभी आत्माओं के प्रति है कि आप भी जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का अनुभव करके अपने जीवन को और शांति स्वरूप बनाइए, प्रेम स्वरूप बनाइए, और अपनी जो वीकनेसेस है उनको जल्दी से जल्दी निकाल करके नई दुनिया की स्थापना के कार्य में और नई दुनिया के में जाने के लिए अपने को तैयार कर लीजिए।